सरदार सलीम हैदर पंजाब की गवर्नरशिप संभालेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मंजूरी के बाद नाम वज़ीर आज़म को पेश कर दिया है। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरदार सलीम का नाम जल्द सदर को भिजवाने की यकीन दहानी करवाई। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी को नामजद कर दिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में विफाक का नुमाइंदा जयाला होगा। बिलावल भुट्टो ने सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब फैसल करीम कुंडी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए नाम तजवीज किया। वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो को दोनों नाम जल्द सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए भिजवाने की यकीन दहानी करवा दी। सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक जिला अटक से है। साबिक विफाकी वजीर मौवन खसूसी वजीर मुमलिकत बराए दिफाई पैदावार भी रह चुके हैं। सरदार सलीम 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर एमएनए भी मुंतखब हुए। फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात हैं और वो 2008 से 2013 तक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली रहे। फैसल करीम कुंडी डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें अली अमीन गंडापुर से शिकस्त हुई। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को एक बार फिर हुकूमत का हिस्सा बनने की भी पेशकश की। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद को गवर्नर पंजाब बनाना चाहती थी, जिस पर मुस्तमिकून ने इत्तेफाक नहीं किया। पीपल्स पार्टी क़यादत ने नदीम अफजल चंद को एतमाद में लेकर सरदार सलीम हैदर को नामजद किया।